कर्नाटक में इस साल यानी 2023 में चुनाव है, लेकिन इस बार कर्नाटक का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। ऐसे तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है, लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। यही नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी। वहीं अब कर्नाटक में ईसाई वोटरों को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे थे, लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या पीएम मोदी के चर्च जाने से कर्नाटक में वोट मिलेगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। सबसे पहले खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो ईस्टर के दिन पीएम मोदी दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च गए थे, जहां उन्होंने ईसा मसीह की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाई और ईस्टर की प्रेयर में भी हिस्सा लिया। ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात के बाद चर्च के फादर ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री चर्च पहुंचे हैं। पीएम मोदी के चर्च जाने की खूब चर्चाएं हो रही हैं, वहीं इसके कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। बातें तो ये भी हो रही है कि क्या पीएम मोदी के चर्च जाने से कर्नाटक में वोट मिलेगा। जवाब जानने से पहले हमें वहां पर कितने प्रतिशत ईसाई वोटर्स हैं इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य टोटल जनसंख्या 6.11 करोड़ की थी। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनकी संख्या 5.13 करोड़ है, जो कि 84% है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम्स हैं, जिनकी संख्या 79 लाख है, जो कि 12.91% है। इसके बाद ईसाई और जैन धर्म है, जिनकी संख्या 11 लाख यानी 1.87% और 4 लाख यानी 0.72% है। जनसंख्या के लिहाज से राज्य में ईसाई समुदाय का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा कम है। वहीं कर्नाटक में सबसे बड़ा लिंगायत समुदाय है, जिनकी संख्या करीब 17% है। इसके बाद वोकलिंगा की आबादी है 12%, कुरुबा 8%, एससी 17 और एसटी 7% है। कर्नाटक के दो मुख्य बड़े समुदाय लिंगायत और वीर शैव है। अब अगर बात हम करेंगे मोदी जी के चर्च जाने की, तो पीएम मोदी के हर दौरे के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ऐसे में पीएम मोदी के दिल्ली के चर्च में जाने के पीछे भी कोई खास रणनीति हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि देश भर में बीजेपी खुद को हर वर्ग से जोड़ने की जो कोशिश है वो कर रही है। बीजेपी के निशाने पर साउथ के लिए ये जरूरी है। हाल के चुनावों में बीजेपी ने नागालैंड और मेघालय जैसे ईसाई बहुल्य राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब इसी कड़ी में बीजेपी केरल जैसे बाकी राज्यों में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले बीजेपी ने मुस्लिम्स को साधने की भी कोशिश की थी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पसमंदा मुसलमान में उनकी पैठ बनी है और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। ऐसे ही बीजेपी खुद को हर धर्म हर वर्ग से जोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार करती रहती है, और पीएम मोदी का चर्च जाना भी इन्हीं में से एक कोशिश का नतीजा हम कह सकते हैं। और क्योंकि केरल का भी जिक्र हुआ है, तो वहां के जो वोट शेयर हैं वो जानना भी जरूरी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में सबसे ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है, जो कि 54.73% है, और इसके बाद मुस्लिम्स हैं 26.6% उनकी आबादी, और फिर ईसाई है 18.4% की उनकी जनसंख्या है। राज्य की कुल 140 विधानसभा सीटों में ईसाई समुदाय के वोट लगभग 33 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या में ईसाई दक्षिणी भारत में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। देश में कुल जनसंख्या के 2.4% लोग ईसाई समुदाय से ही आते हैं। हालांकि पीएम मोदी के चर्च दौरे को दक्षिण राज्य में होने वाले चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खैर, कर्नाटक चुनाव के परिणामों से ही ये साफ हो जाएगा कि ईसाई समुदाय के वोट बैंक सांधरे में बीजेपी कितनी ज्यादा असरदार है, कितनी ज्यादा इनका जो घुसपैठ है वो काम आता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।